मध्य प्रदेश के खरगोन में सरकारी स्कूल में किराए पर शिक्षक रख पढ़वाने वाले सहायक शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। डीएम ने जन शिक्षक सहित 3 शिक्षकों को निलंबित किया है। बीआरसी को शोकाज नोटिस उल्लेखनीय है। डिप्टी कलेक्टर ने स्कूल के औचक निरीक्षण के दौरान सहायक शिक्षक द्वारा किराए पर रखे गए एक युवक को स्कूल में पढ़ाते हुए रंगे हाथ पकड़ा था। आईटेल 24 न्यूज़ पर खबर दिखाने के बाद डीएम ने यह सख्त कदम उठाया। जिला मुख्यालय के करीब 45 किलोमीटर दूर से सेगांव तहसील की ग्राम पंचायत देवली के किराड़ या फालिया के प्राथमिक विद्यालय के सहायक शिक्षक रामेश्वर रावत के खिलाफ सेगांव में एफआईआर दर्ज की गई। साथ ही अनुपस्थित रहे शिक्षक डबर सिंह चौहान और लापरवाह जन शिक्षक मोहन महिले को डीएम गोपाल चंद्र दाट ने निलंबित किया है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। जैसे नेक्स्ट डे सूचना मिली, हमें पता लगा कि वो दो टीचर एबसेंट थे और एक टीचर के एवज में कोई गांव का लड़का पढ़ा रहा था। हमने एफआईआर दर्ज कर दी है। उस टीचर के खिलाफ भी 420 का केस दर्ज हुआ है और इस पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और वो जो लड़का है जो उसके एवज में पढ़ा रहा था, उसको भी फौजदारी कार्रवाई फेस करनी पड़ेगी। मैं सभी से मैंने उनको सस्पेंड भी कर दिया है और पूरे ज़िले में ये मैसेज दे दिया है कि यदि कोई टीचर्स ऑफिस सर्विस नहीं करेगा या उसके एवज में किसी को रखेगा तो वो फौजदारी कार्रवाई का दायी होगा। केवल डिसिप्लिनरी एक्शन से काम नहीं चलेगा, फौजदारी कार्रवाई अब की जाएगी लगातार। सर, जनशिक्षक और बीआरसी और बीओ लगातार चेक करते हैं, उसके बावजूद भी इस तरह किराए से कोई पढ़ा रहा है। मैं अत्यधिक नाराज हूँ जन शिक्षक पर, और जन शिक्षक को भी निलंबित करने का मैंने निर्देश दिया है। बीआरसी पे भी शोका नोटिस देकर उस पर भी कार्रवाई करेंगे, लेकिन बीआरसी के पास बहुत सारी स्कूल्स है, एक स्कूल नहीं देख सकता। लेकिन जन शिक्षक का मुख्य दायित्व है कि उसे उस स्कूल को देखना चाहिए था। तहसील सेगांव में ग्राम पंचायत है देवली, वहाँ जब मैंने औचक निरीक्षण किया, लगातार मैं कई जब से मेरी पोस्टिंग हुई तब से मैं स्कूल आंगनवाड़ी में औचक निरीक्षण कर रहा हूँ। उसी कड़ी में जब मैं आज वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर जब मैंने स्कूल में गया तो एक लड़का पढ़ा रहा था। जब उससे बातचीत हुई, मैंने अटेंडेंस रजिस्टर देखा तो उसमें देखा कि जो लड़का उसका नाम बता रहा है वो नाम उसमें नहीं था। तो मुझे कहीं ना कहीं डाउट हुआ, उसमें पता चला कि वो दोनों टीचर जो है परमानेंट जिनकी पदस्थापना वहाँ पर हुई थी वो वहाँ पर अनुपस्थित थे। जब बातचीत हुई, गाँव वालों से पूछा तो वो लड़का जो है उसने बताया कि मैं 4,000 मुझे रामेश्वर रावत जो है टीचर वहाँ पे उनकी पदस्थापना है, उन्होंने वो उनको 4,000 देते हैं लड़के को पढ़ाने के लिए और वो नहीं आते स्कूल। उनका कहना है कि वो कई दिनों से स्कूल नहीं आए। सर, इसमें ये देखा जाता है कि आमतौर पर स्कूल का निरीक्षण जन शिक्षक और बीआरसी की जिम्मेदारी होती है। नियमित निरीक्षण के बावजूद भी इस तरह की गड़बड़ी, मतलब ये तो कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत भी होती है। मैं 100% ये सही है, पर हो सकता है उनके द्वारा भी समय समय पर निरीक्षण होता रहता है और इस टाइप से वो भी कार्रवाई करते हैं। इतनी बड़ी लापरवाही में कोई ना कोई तो दोषी और भी होगा। सर, हो सकते हैं इसमें कौन क्या शामिल है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। मेरे द्वारा निरीक्षण करने पर ये लापरवाही पाई गई तो उसको मैंने संज्ञान में लिया। क्या कार्रवाई होगी सर? मैंने मौके पंचनामा बनाकर प्रतिवेदन के साथ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को खरगोन के लिए मैंने इसको प्रेषित किया। क्या नाम लिखते सर? राहुल चौहान, डिप्टी कलेक्टर, प्रभारी तहसीलदार, सेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।